नमस्कार दोस्तों, महादेव क्लासेज जोधपुर पर आप सभी का स्वागत है। आज केमिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर 15/12/2022 को पेपर हुआ, जो BSc फर्स्ट ईयर वालों गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके क्वेश्चन आंसर हम लेकर आए हैं। पहला, अति लघु रातों प्रश्नों के उत्तर, तो 8 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से हमें 4 प्रश्नों के आंसर देने होते हैं और प्रत्येक अंक 1 से 3/4 अंकों का होता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो यह हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा 1 वीक सीरीज में पेज संख्या 3 में है, देखते हैं 3। तो ये पेज संख्या 3 है और ये प्रेरण प्रभाव को समझे, इसके इस प्रश्न के आंसर में यहाँ से लेकर सभी तत्वों की विद्युत ऋणता भिन्न भिन्न होती हैं तथा इसी कारणवश जब सहसंयोजी आबंध दो भिन्न परमाणुओं के मध्य बनता है तब उसमें ध्रुवण हो जाता है। इस स्थायी प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ये हमारा आंसर इसमें है। अब है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, प्रतिबिंब सम अवयव क्या है। तो इस जो कि 1 वीक सीरीज में पेज संख्या 32 में है, 32 पेज संख्या 32 निकालते हैं। तो 32 में यह रहा प्रतिबिंब सम अवयव से आप क्या समझते हैं। तो यदि किसी यौगिक, ये पूरा है क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लेना। और आपके बाद चौथा क्वेश्चन, प्रोक्साइड प्रभाव क्या है। ये हमारे पेज संख्या 87 पेज संख्या पर है। तो 87 पेज संख्या निकालते हैं 1 वीक सीरीज से। ये रहा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रोक्साइड प्रभाव से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये इस प्रकार से पूरा आंसर यहाँ 1 वीक सीरीज में पेज संख्या 87 पर लिखा हुआ है। सातवां क्वेश्चन लेते हैं। तो सातवां क्वेश्चन, ब्रज अपचयन क्या है। ये ब्रज अपचयन पेज संख्या 124 पर है 1 वीक सीरीज। तो 124 पेज संख्या निकालते हैं। ये ऊपर में पहला क्वेश्चन है, ब्रज अपचयन क्या है। ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेना और अपना उत्तर की जांच कर लेना। अब है आठवां क्वेश्चन, जो कि ओजोनिक अपघटन क्या है। तो ओजोनिक अपघटन जो कि हमारे 1 वीक सीरीज में 99 पेज संख्या पर है, पेज संख्या 99 निकालते हैं, 99 पर है। ये रहा इस क्वेश्चन, निम्न उपयुक्त उदाहरण सहित समझे। इसमें ओजोनिक अपघटन, ये रहा क्वेश्चन, जो कि ये ओजोनिक अपघटन की पूरी संरचना के अनुसार क्रियाविधि है। तो आपको उसके अनुसार पढ़कर अपने आंसर की जांच कर लेनी है। 9 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जिनमें से हमें 4 प्रश्नों के आंसर देने होते हैं और प्रत्येक आंसर जो कि 7 अंकों का होता है। उसमें पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की क्रियाविधि याद करने की 2 विधियों का विस्तार से लिखिए। तो ये हमारा जो है वो है पेज संख्या 26 पर, 26 पर, पेज संख्या 26 पर है। निकालते हैं। ये रहा अभिक्रिया की क्रियाविधि याद करने की 3 विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये पूरा का पूरा आप ये पढ़कर अपने उत्तर की जांच कर लेना। अब इसी आधार पर तीसरा क्वेश्चन निकालते हैं, अपेक्षित एवं निरपेक्ष विन्यास पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। जो कि ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो है पेज संख्या 53 पर है 1 वीक सीरीज में। पेज संख्या 53 पर ये रहा इसका जो दूसरा भाग है, सापेक्ष तथा निरपेक्ष विन्यास, ये पूरा का पूरा आंसर है। अपना आंसर जांच कर अपना 4 स्वरूपण क्या है। एन ब्यूटेन के विभिन्न स्वरूपणों के नियमान प्रक्षेपण बनाइए। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है वो है हमारे गुणसूत्र, पेज संख्या गुणसूत्र पर 69 पर। तो ढूंढते हैं,
तो ये रहा सरूपण क्या है, न्यूमैन प्रेक्षण सूत्र की सहायता से एंड न्यूटन की विभिन्न सरूपण संरचनाओं का ऊर्जा आरेख द्वारा वर्णन कीजिए। तो ये पूरा अपना उत्तर जांच ले और इसी के आधार पर अपने उत्तर को जांच कर सही गलत का अनुमान लगाया जा सकता है। अब है हमारा क्वेश्चन संख्या 5। 5 में कैलिमेनेस अपचयन और कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रियाशीलता एवं वर्णन था, ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में से किसी दो की आपको पहले का आंसर, तो 76 पेज संख्या ये रहा और ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 क्लीमेंसन अपचैन। ये पूरा का पूरा आप अपना उत्तर की जांच कर लें। दूसरा हमारा कोरस हाउस संश्लेषण जो कि हमारा 72 पेज संख्या पर है, ये रहा कोरस हाउस अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए या यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने उत्तर की जांच कर लें। अब है हमारा आगे का 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन जो कि पहला, इसमें भी निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संघ से टिप्पणी लिखनी है, दो में से मतलब 3 में से किसी दो को करने हैं। तो ये पहला डाइइनो का वर्गीकरण, ये है हमारा 106 पेज संख्या 106 पर जाते हैं। तो ये रहा डाइइनो में डबल बंद की सापेक्ष रिश्ते के आधार पर वर्गीकरण को समझे। ये पूरा का पूरा अपने उत्तर की जांच कर ले, इस प्रकार का उत्तर है अपने उत्तर की जांच कर ले। अब है दूसरा सेकंड, तो ये तीसरा 1 2 तथा 1 4 का योग जो कि 104 संख्या पर है पेज संख्या, ये रहा 100। ये पूरा का पूरा इसमें ये यहाँ से लेकर पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर है ये 1 2 और 1 4 के योग का उत्तर है। अभी इसी प्रकार सातवें के उत्तर का आंसर निकालते हैं। इसमें हक्कल का नियम क्या है, इस नियम की सहायता से विभिन्न यौगिकों के एरोमेटिक गुणों को कैसे समझेंगे। पेज संख्या 116 पर जाते हैं, ये रहा 116 और ये रहा इसका आंसर हक्कल का नियम क्या है, उपरोक्त उदाहरण से समझिए। ये पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से लिख किस प्रकार से लिख कर आए हैं उस प्रकार से अपने उत्तर की जांच कर ले। और अगला उत्तर है, अगला आंसर है हमारा 8वां जो कि निम्नलिखित प्रश्न से टेबल लिखिए, इसमें दो है हुंस डिकर अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। 38 पेज में हुंस डिकर अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया ये रहा यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक और वुड्स डिकर अभिक्रिया यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक अपने उत्तर की जांच कर ली याद है, और किस प्रकार आप लिखना है उसके प्रकार से आप अपने उत्तर को सही गलत सही कैसे किया उस प्रकार। अब है 9वां क्वेश्चन, एरिल हेलेंड का एक उदाहरण लेकर बेंजीन क्रियाविधि विलोपन युगात्मक विधि क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए, जो कि यहाँ 120 पेज संख्या 120 पर जाते हैं। ये रहा ये क्लोरो, यहाँ लिखा है कि एरिल हेलाइड, हेलाइड का अर्थ है कि हेलाइड लेना है कोई भी आपको, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो इन चारों में से कोई एक लेना है, जिसमें से एक है क्लोरो इसमें लिया हुआ है। उस प्रकार से ये क्लोरो बेंजीन बेंजाइल क्लोराइड की अपेक्षा कम क्रियाशील क्या है, इसके पूरा ये जो दिया हुआ है ये इस प्रकार इसकी आप उत्तर की जांच होती है। नंगा कि इस प्रकार आप कितने गलत कितने सही करके आए वो आप मेरे कमेंट पर लिख